हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्जागम। आई होप यू गाइस आर इन फन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल दोस पीपल्स हु वाच माय वीडियोस एंड आई ग्रीट ऑल दोस पीपल्स हु सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 111 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई होप यू विल वाच द कंप्लीट वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जब सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहाँ कैसे इत्यादि लगा रहे तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट व्हाई हाउ व्हेन वेयर प्लस एज अ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। किंतु जब सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहाँ कैसे इत्यादि लगा रहे और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट व्हाई हाउ व्हेन वेयर प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए व्हाट व्हाई हाउ व्हेन वेयर प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो आपका पहला अनुवाद है वह कहां गया है। यहां पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद कहां आया है, इसलिए वेयर से शुरू करेंगे। वेयर अब वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट देना है ही। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म गो एंड गोन, ठीक है। अब है वह कहां गया है, वेयर हैज ही गोन, ठीक है। अगला अनुवाद है सीता कब आई है। सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद कब आया है इसलिए पहले व्हेन लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म कम। सीता कब आई है, व्हेन है सीता कम। अब है हम लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है इसलिए पहले व्हाट लिखेंगे व्हाट हैव। उसके बाद सब्जेक्ट वी, हम लोगों ने क्या किया है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म डन, हम लोगों ने क्या किया है व्हाट हैव वी डन। अब है राम क्यों जा चुका है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है इसलिए पहले वाई लिखना है, ठीक है। अब राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगाएंगे, ठीक है। अब है हैज के बाद सब्जेक्ट लिखना है तो राम लिख देंगे। उसके बाद है वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, गो वेंट गोन। राम क्यों जा चुका है, वाई हैज राम गोन। अब है उसने कैसे परीक्षा पास की है, उसने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद कैसे आया है इसलिए पहले हाउ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हैज लिख देना है, उसके बाद ही यानी कि सब्जेक्ट। अब है उसने कैसे परीक्षा पास की है, हाउ हैज ही। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने कैसे परीक्षा पास की है, हाउ हैज ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउ प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब है आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है, सबसे पहली बात की आपने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्यों है, ठीक है, तो वाई पहले लिख लेते हैं वाई। इसके बाद हैव लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तोरी है ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रोकन, ठीक है। आपने यह कुर्सी क्यों तोरी है, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर। अब है आपने मेरी मदद क्यों की है, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहाँ कैसे क्यों आया है तो पहले व्हाई लिख लेंगे, ठीक है, व्हाई। उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म
हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद है अदर वर्ड मी, आपने मेरी मदद क्यों की है, व्हाई हैव यू हेल्प्ड मी। अब है सीता ने यह काम क्यों किया है, सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है इसलिए पहले वाई लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हैज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे सीता। अब है कि सीता ने यह काम क्यों किया है, अब यहाँ पे भर्व का तीसरा फॉर्म देंगे डू डिड डन, ठीक है, डन दिस वर्क अदर वर्ड, ठीक है, सीता ने यह काम क्यों किया है, व्हाई हैज सीता डन दिस वर्क। अब है मैंने क्या किया है, ध्यान देना है मैंने, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है इसलिए पहले व्हाट लिख लेंगे, ठीक है, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, पहले व्हाट उसके बाद है उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब है आपने श्याम को क्यों पीटा है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, आपने, ये आपने सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्यों है इसलिए पहले वाई लिखेंगे, ठीक है, वाई हैव यू, अब है पीटना, ठीक है, बीट का तीसरा फॉर्म बीटेन, व्हाई हैव यू बीटेन श्याम, आपने श्याम को क्यों पीटा है, व्हाई हैव यू बीटेन श्याम। अब है आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपने है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है इसलिए पहले व्हाई लिख लेंगे, व्हाई हैव यू। अब है कि आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, बेचना का सेल होता है, सेल का तीसरा फॉर्म सोल्ड। अब है अदर वर्ड अपनी गाड़ी योर कार, आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है, व्हाई हैव यू सोल्ड योर कार। अब है राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर ध्यान देना है कि राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद क्यों है इसलिए पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई हैज राम। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, लिखना राइट, राइट का तीसरा फॉर्म रिटेन, रिटेन। अब राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा, अदर वर्ड व्हाई हैज राम नॉट रिटेन ए लेटर। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मैंने एक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितता का बोध है, ठीक है, कौन सा लेटर है पता नहीं चल रहा है इसलिए ए लेटर। अब है कि आपने यह काम क्यों नहीं किया है, तो आपने, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग होगा और क्यों है सब्जेक्ट के बाद इसलिए पहले वाई लगाएंगे, ठीक है, वाई हैव यू, आपने यह काम क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नोट डन दिस वर्क। अब है तुम वहां क्यों नहीं गए हो, सब्जेक्ट के बाद क्यों है इसलिए पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई हैव यू नोट गोन देयर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि सब्जेक्ट के बाद क्यों है इसलिए व्हाई लगाए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग किए, उसके बाद सब्जेक्ट दिए, फिर नोट दिए, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म और फिर अदर वर्ड। अब है श्याम क्यों नहीं आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और सब्जेक्ट के बाद क्यों है इसलिए पहले वाई देंगे, उसके बाद हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद नोट देंगे,
उसके बाद भैरव का तीसरा फॉर्म देंगे, ठीक है। श्याम क्यों नहीं आया, वाई है श्याम नॉट कम, ठीक है। अब है कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, वे यहाँ पर वे जो है आदर सूचक है, ठीक है, इसलिए ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आप अपनी भाषा में समझ सकते हो, अगर आप वे को, ठीक है, वे के लिए दे का प्रयोग करेंगे तब इसमें हैव का प्रयोग होगा, किंतु जब इसे आप आदर सूचक समझ कर सॉल्व करोगे तो इसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रखेंगे और हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्यों है इसलिए इसमें वाई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देंगे हैज, ही, उसके बाद नोट, उसके बाद है लौटना, रिटर्न का तीसरा फॉर्म रिटर्न, उसके बाद अदर वर्ड येट। यहाँ पर आप ध्यान दो कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे, Why has he not returned yet? यहाँ पर अगर आप he के जगह वे के लिए दे का प्रयोग करोगे तो why have they not returned yet? अब है तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है, तो तुमने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, तो पहले why लिख लेंगे, why have you नोट, भार्व का तीसरा फॉर्म फिनिश्ड द वर्क, तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है, व्हाई हैव यू नोट फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि वर्क के पहले मैंने द का क्यों प्रयोग किया, आप जानते हो कि द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और यहाँ पर जो वर्क है इस काम के विषय में जो व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति कर रहा है वो जानता है उस काम के विषय में, निश्चितता का बोध है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है, कहने वाला व्यक्ति जानता है कि कौन सा काम है, इसलिए व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब है उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, उसने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्यों है तो पहले why लिख लेना है, ठीक है। Why has he, उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। अब भार्व का तीसरा फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड मी, अदर वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, Why has he Not helped me. अब है वह मुझे क्यों भूल गया, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, क्यों सब्जेक्ट के बाद आया है, इसलिए पहले वह, उसके बाद has, उसके बाद सब्जेक्ट। अब है भूलना, forget, forgot और forgotten, तो यहाँ पे forgotten लिखेंगे, forgotten me, other word. वह मुझे क्यों भूल गया है, Why has he forgotten me? तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है और सब्जेक्ट के बाद क्या आया, तो पहले what लिख लेते हैं, what, उसके बाद have लगा देना है, you, उसके बाद भारु का तीसरा फॉर्म done, उसके बाद other word for me, तुमने मेरे लिए क्या किया है, What have you done for me? वह कहाँ नहीं गई है, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और कहाँ सब्जेक्ट के बाद आया है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे और पहले वेयर लिख लेंगे, वेयर, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, वह स्त्रीलिंग है इसलिए सी लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, उसके बाद भारू का तीसरा फॉर्म gone, वह कहाँ नहीं गई है, Where has she not gone? अब है उसने इस सवाल को कैसे बनाया है, उसने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट के बाद कैसे है, तो पहले how लिखेंगे, उसके बाद has देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे he, अब है उसने इस सवाल को कैसे बनाया, How has he, verb का तीसरा फॉर्म solved this, अदर वर्ड सम,
सम के जगह पर आप प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। उसने इस सवाल को कैसे बनाया है? How has he solved this sum? या फिर How has he solved this problem? अब है, तुमने सम को कहां देखा है? तो सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, और सब्जेक्ट के बाद कहां है? तो पहले where लिख लेना है, where, उसके बाद have, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद verb का तीसरा फॉर्म सी साव सीन, ठीक है? तुमने श्याम को कहां देखा है? Where have you seen श्याम? अब है, सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है? तो यहां पे ध्यान देना है कि सरकार थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है? और इसके बाद क्या आया है, इसलिए पहले व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हैज लगाएंगे, उसके बाद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कैपिटल जी देना, ठीक है? सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया, व्हाट हैज द गवर्नमेंट, अब भारत का तीसरा फॉर्म डन फॉर मी, नहीं सॉरी अस, सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर अस। और आप जानते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग किए हैं। अब है, राम क्या कर चुका है? राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? तो पहले व्हाट लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हैज दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राम, ठीक है? राम क्या कर चुका है? व्हाट हैज राम, वर्ब का तीसरा फॉर्म डन। अब है, आपने कैसे यह सोचा है? आपने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, हैव का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद कैसे है? तो पहले हाउ लिख लेंगे, हाउ हैव यू, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म थाउट दिस, अदर वर्ड, आपने कैसे यह सोचा है? हाउ हैव यू थाउट दिस। अब है, तुमने बाघ कहां देखा है? तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, और सब्जेक्ट के बाद कहां है? तो पहले वेयर लिख लेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि तुमने बाघ कहां देखा है? Where have you seen the tiger? मैंने टाइगर के पहले द क्यों लगाया? क्योंकि जो व्यक्ति कुछ कर रहा है वो इस बाघ के बारे में पहले से जानता है। और आप जानते हैं कि द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर द लगाए हैं। तुमने बाघ कहाँ देखा है? Where have you seen the tiger? I hope you understood properly. See you again in the next class. Thanks for the watching. Have a nice day.